कोलकाता में राहुल गांधी की जनसभा से पहले कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंककर जमकर हंगामा किया था। आसन्न लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में शनिवार को उत्तर मालदा लोकसभा क्षेत्र के चांचल में आयोजित कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभा से ठीक पहले पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर कुर्सियां उठाकर फेंकने लगे। शनिवार अपराह्न जनसभा के मंच पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा, प्रदीप भट्टाचार्य, अधीर रंजन चौधरी जैसे शीर्ष नेता बैठे हुए थे और उनकी आंखों के सामने मैदान में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ते नजर आए। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी के आगमन को केंद्र पर वहां वीवीआईपी और वीआईपी अतिथि के लिए मैदान में अलग से कुर्सियां लगाई गई थी, जबकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। कार्यकर्ताओं ने वीआईपी व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया और वहां रखी गई कुर्सियों को उठाकर फेंकने लगे। दूसरी ओर से वीवीआईपी साइड में तैनात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां फेंक रहे दूसरे कार्यकर्ताओं पर भी हमला बोल दिया।